जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है और एक बार फिर से मैं शांति कुंज पहुंच चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को शांति कुंज के दर्शन कराने वाला हूं और शांति कुंज के जो ताज़ा दृश्य हैं वो आप देख पाएंगे। दोस्तों, शांति कुंज जो है वो हरिद्वार का एक बहुत ही फेमस स्थान है। ये गायत्री परिवार का है और गायत्री परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। तो मैं एंट्री कर चुका हूँ और सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं करता हूँ यहाँ के दृश्य से। देख सकते हैं एक्यूप्रेशर यहाँ पर पथ बनाया गया है। यहाँ पर आप चप्पल उतारकर या शूज उतारकर यहाँ पर चलेंगे तो पैरों में एक्यूप्रेशर द्वारा एक थेरेपी दी जाती है कह सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर स्थान हैं जो देखने योग्य हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शांति कुंज के दृश्य दिखा सकूँ। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसी तरह हरिद्वार ऋषिकेश के अच्छे स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, ज़रूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यहाँ पर देख सकते हैं नौ ग्रह वाटिका है। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे प्लांट लगाए गए हैं। शांति कुंज की जो सुंदरता है, यहाँ के जो व्यू हैं इतने अच्छे हैं कि हर एक व्यक्ति उसको आकर्षित करते हैं तो उसका नेक्स्ट टाइम भी आने का मन करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं। ये शांति कुंज में एक तरह से गार्डन है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ के व्यू आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। देवात्मा हिमालय कर एक ध्यान लगाने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है। अगर आप इंटरनल देखना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले कई बार वीडियो बनाई है, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी और मैंने उसमें इंटरनल भी दिखाया अंदर जाके। जैसे अभी तक आपने देवात्मा हिमालय की जो जगह देखी थी, अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ स्क्रीन में आ जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख पाएंगे। तो अब चलते हैं, शांति कुंज की कैंटीन है जहाँ पर भोजनालय है, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो श्रद्धालु आते हैं उनको भोजन कराया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं शांति कुंज के जो गुण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे और धार्मिक कार्य ये करते रहते हैं। अगर जितनी भी तारीफ करें शांति कुंज या गायत्री परिवार की उतनी कम है। दोस्तों, इस वीडियो में आप शांति कुंज में जो अखंड दीप है उसके भी दर्शन आप कर पाएंगे। यहाँ का जो अखंड दीप है वो पिछले 95 सालों से लगातार जल रहा है और यहाँ पर है भोजनालय। यहाँ पर आपको प्लेट ग्लास सभी कुछ मिलेगा। आप शूज उतारें और सीधे से कैंटीन में जाइए और प्लेट लेकर और ग्लास लेकर बैठ जाइए और भोजन आपके पास गर्मा गर्म आएगा, आप खाएंगे। और उसके बाद आपको प्लेट धुलनी होगी, प्लेट और ग्लास धुल के आप वहीं पर रख दें। एक सात्विक भोजन यहाँ पर मिलता है और ये है कैंटीन कह सकते हैं, मतलब भोजनालय जहाँ पर लोग बैठकर भोजन करते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी यहाँ भोजन करते हैं और जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी यहाँ पे भोजन करते हैं। अब मैं आपको यहाँ की जो कैंटीन है वहाँ पर ले कर चलता हूँ। यहाँ की मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा फेमस हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ की मिठाई लेने आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन मैं भी यहाँ पर मिठाई लेने आया हूँ। मुझे शांति कुंज की जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो जब कभी समय मिलता है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ तो शांति कुंज की मिठाई ज़रूर ले जाता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मिठाई लेने आया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दर्शन भी करा दूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नमकीन भी मिलती है, कचौड़ियाँ यहाँ मिलती हैं, खस्ता मिलते हैं और उसके साथ साथ पेटीज़ हैं। यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी मिलती है और उसके साथ नारियल की बर्फ़ी मिलती है, नारियल के लड्डू मिलते हैं, गुलाब जामुन मिलता है। क्वालिटी ए क्लास की क्वालिटी आपको मिलेगी और इतने कम प्राइस में शायद ही कहीं आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो अगर आप शांति कुंज आते हैं तो यहाँ की मिठाई को ज़रूर टेस्ट करें और यहाँ की मिठाई अपने साथ घर भी ले जाएँ और बच्चों को ज़रूर खिलाएँ।
और अब चलते हैं आगे, यहाँ पर जो बुक स्टॉल है वहाँ पर भी चलेंगे, और यहाँ पर जो एक मेन स्थान है वहाँ पर भी मैं आप सभी को ले चलूँगा। यहाँ का जो मेन मंदिर है गायत्री मंदिर, वहाँ भी मैं आप सभी को ले चलूँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शांति कुंज की जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छी बनती है, और पता नहीं ऐसा क्या है, मैंने जितने बार भी बनाया है मुझे भी ऐसा लगा है कि बहुत अच्छी वीडियो बनी है, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जिसको हर एक व्यक्ति देखना चाहता है, इसी वजह से लोग पसंद भी करते हैं। और यहाँ पर आप रूम देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर सेवाएं देते हैं और यहीं पर रहते हैं। लोगों के रहने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, लोगों के मेडिकल सुविधाओं की भी अच्छी व्यवस्था है। इनका खुद का हॉस्पिटल है, इनका खुद का यज्ञशाला है और यूनिवर्सिटी है। हर एक ज़रूरत जो कि एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो चलते हैं आगे और यहाँ का जो मुख्य स्थान है अब वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ जो यहाँ का सबसे मुख्य स्थान है, और कुछ ही देर में आप सभी दर्शन करने वाले हैं। ये जो स्थान है इसे चैतन्य सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो इसी वजह से ये यहाँ का मुख्य स्थान है। और अगर आप हाईवे की तरफ से, मेन जो हाईवे है हरिद्वार ऋषिकेश, उस तरफ से एंट्री करेंगे, और इसमें वैसे तो कई गेट हैं, तो अगर उस तरफ से आएंगे तो सबसे पहले यही पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ लोग यहाँ के रहने वाले हैं, सभी लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं शादियाँ भी होती हैं, और ये जो शांति कुंज है गायत्री जो परिवार है, ये साल भर में कई आयोजन ऐसे करते हैं जो एक धार्मिक कार्यों से संबंधित हों या समाज सेवा से संबंधित हो, ये सभी कार्यक्रम ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहते हैं। अब चलते हैं चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के जो पवित्र स्थान है शांति कुंज का, यहाँ पर आप दर्शन करें। यहाँ पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है और ये परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी हैं, और यहाँ पर एक तरफ माता जी भी हैं, तो यहाँ पर आप इनको भी देख सकते हैं। दोस्तों शांति कुंज आकर वाकई में एक खुशी मिलती है और एक मन को शांति मिलती है। मुझे तो यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और शांति कुंज में देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कम से कम ये मान के चलिए आपको तीन चार घंटे तो आराम से चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर यज्ञशाला बनी हुई है जहाँ पर सुबह के समय यज्ञ हवन होते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये यज्ञशाला है। तो अब चलते हैं यहाँ का जो बुक स्टॉल है वहाँ पर भी मैं ले चलता हूँ, और यहाँ पर कुछ औषधियाँ मिलती हैं, कुछ दवाएँ भी मिलती हैं, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद चलेंगे जो गायत्री परिवार का मुख्य मंदिर है गायत्री मंदिर, वहाँ पर मैं आप सभी को ले चलूँगा और माँ गायत्री माता के दर्शन भी कराऊंगा। तो ये देख सकते हैं ये बुक स्टॉल है, विविध सामग्री विक्रय केंद्र, यहाँ पर तरह तरह की सामग्री मिलती हैं, पूजा करने के लिए भी बहुत सारे सामग्री यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर शहद, यहाँ पर देसी घी, ये सभी यहाँ पर मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही उच्च क्लास की होती है। दोस्तों वैसे तो शांति कुंज की वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, और मैंने काफ़ी इंटरनल बनाया है, जगह जगह पर जाकर वहां की बारे में दिखाया है। जैसे आपने देवात्मा हिमालय देखा होगा, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर भी जाकर मैंने विस्तार से बनाया है। इस वजह से आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बाहर बाहर से ही मेन जो स्थान है वो भी दिखाए जाएँ। और युग साहित्य विस्तार केंद्र है, यहाँ पर देख सकते हैं पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वैसे यहाँ पर बहुत सारे राइटर जो लेखक हैं उनकी पुस्तकें भी यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर एक ऑफ़र भी चलता रहता है, अगर आप 200 रुपए से प्लस की अगर बुक्स लेते हैं तो यहाँ पर 20% का आपको डिस्काउंट भी मिलता है।
और जो बुक के जो प्राइस हैं वो काफ़ी कम है। तो ये देख सकते हैं ये बुक स्टॉल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिलिंग काउंटर है जहाँ पर आप बुक्स जो है उनका बिलिंग करा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हस्त निर्मित उत्पाद बिक्री केंद्र, यहाँ पर हाथ से बनी हुए साल और बहुत सारे कपड़े भी हैं पूजा करने के लिए, जो बैठने के लिए जो मैट होती है उस तरह के भी यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, इनके जो बैग हैं वो भी मिलते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं अच्छे कुछ अच्छे सामान तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एक देख सकते हैं बड़ा अच्छा लगता है, एक सोसाइटी जैसे एक बना हो उस टाइप में यहाँ पर लगता है, और ये बहुत बड़ा एरिया है और इसमें हजारों रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। और यहाँ पर सामने देख सकते हैं संस्कार प्रकोष्ठ है जहाँ पर जनेऊ मुंडन ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, और उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर संस्कार कराने आते हैं, जनेऊ कराने आते हैं, मुंडन कराने आते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, जो आपका मन करे आप दे सकते हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं वेद माता गायत्री मंदिर में। नीट एंड क्लीन फर्श भी दिखेगी, यहाँ के जो मंदिर हैं हर कुछ बिल्कुल क्लीन मिलेगा आपको, और एटमॉस्फेयर कह सकते हैं यहाँ का इतना शांत माहौल होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये यहाँ के कुछ मंदिर हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, आप यहाँ पर दर्शन करें। और अब मैं आपको गायत्री माता के दर्शन कराऊँगा जो कि यहाँ का मुख्य मंदिर है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। और यहाँ पर है गायत्री माता का मुख्य मंदिर, तो आप यहाँ पर दर्शन करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों इस वीडियो में आप शांति कुंज में जो अखंड दीप है उसके भी दर्शन आप कर पाएंगे। यहाँ का जो अखंड दीप है वो पिछले 95 सालों से लगातार जल रहा है, और वो एक खुद ही जब कोई दीप लगातार इतने सालों से जलता रहता है तो वो खुद में अपने आप में एक शक्ति बन जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का मतलब भंडार हो जाता है। तो जब आप कभी शांति कुंज आते हैं तो गायत्री मंदिर में आप दर्शन जरूर करें और अखंड दीप के दर्शन भी जरूर करें। अब हम कुछ ही देर में अखंड दीप के जहां पर दर्शन होते हैं वहां पहुंचने वाले हैं। कितना अच्छा लगता है, यहां के दृश्य आप देख सकते हैं, और कोई शोरगुल नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे श्रद्धालु भी रहेंगे तब भी यहां पर शोरगुल नहीं होता है, क्योंकि यहां का जब माहौल देखकर श्रद्धालु भी शांत रहते हैं। अखंड दीप दर्शन यहाँ पर समय लिखा हुआ है, और इस रास्ते से आप जाकर अखंड दीप के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर अखंड दीप के दर्शन कर सकते हैं। और वैसे तो यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, अगर यहाँ की पूरी वीडियो बनाएंगे तो कम से कम एक घंटे की बनेगी, तब जाके यहाँ पर विस्तार से हर एक जो जगह है उसके बारे में आपको जानकारी दे पाएंगे। लेकिन मैंने और भी अच्छे से वीडियो कुछ बनाई है जो कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।
जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।